ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है? देवका से गोवा जाना? नहीं नहीं, कुछ तो है जो देव के लिए सही नहीं लग रहा है मुझे। जैसे कुछ तो गलत हुआ है और वो यही कहीं है। जय हिंद मैम। इंस्पेक्टर, देव के बारे में बात करनी है। देव का मैसेज तो आया है कि वो गोवा गया है, लेकिन आप एक काम करो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गोवा जाने वाली सारी बसेस चेक कीजिए, देव गोवा गया है या नहीं। मुझे कंफर्म करना है कि देव गोवा गया है, ताकि कम से कम उसकी लोकेशन तो पता चले। यस मैम, हम सारे एयरपोर्ट, बस डिपो और रेलवे स्टेशन खंगालते हैं। मैम एक बात है, अगर देव बाबा ने नाम बदल लिया हो, मेरा मतलब किसी फेक नाम से टिकट लिया हो, तो उसका फोटो दिखाइए सबको। किसी ना किसी को तो उसका चेहरा याद होगा ना। अब सब चेक कीजिए और मुझे कल रिपोर्ट दीजिए। यस मैम। अब बस कैसे भी देव का पता लग जाए तो दिल में जो पूरे ख्याल आ रहे हैं ना, वो तो नहीं आएंगे। ये तो पता चल जाएगा ना कि वो ठीक है। सारे मेहमान चले गए, अब बोलो तुम दोनों, कुछ बोलना है या अभी छुपाना है? तुम दोनों को एहसास है तुम दोनों ने किया क्या? एक लड़का मर गया है, उसकी लाश को तुम दोनों फ्रीजर में उठा के घर पे लेके आए हो, हमारे घर में। मेरी जान सूख गई है जब से मैंने उसकी बॉडी को देखा है। आपने कब देखा? आपको पता कैसे चला? कैसे नहीं पता चलता, मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुम दोनों उस फ्रीजर को घर में लेके आए। मुझे क्यों लग रहा है रुद्र प्रिशा मुझसे कुछ छुपा रहे, सच नहीं बता रहे इस फ्रीजर को लेके। एक तो इतना बड़ा फ्रीजर उठा के लेके आए, वो भी एक पार्टी के लिए, और मुझसे पूछा तक नहीं। प्रिशा तो कभी ऐसे नहीं करती। ये फ्रीजर खोल के देखती हूँ, अपने आप पता चल जाएगा ये लोग कुछ छुपा भी रहे या नहीं। लॉक क्यों है? फ्रीजर को लॉक करने की जरूरत क्या थी? एक तो फ्रीजर लेके आए मुझे बिना बताए, लॉक कर दिया, अब तो पक्की बात है कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग मुझे बता नहीं रहे। कोई बात नहीं, मैं भी इनकी माँ हूं, पता करके ही रहूंगी। मुझे पक्का पता था तुम दोनों कुछ ना कुछ मुझसे जरूर छुपा रहे हो, इसलिए मैंने जानबूझ के शामू को भेजा तेरे पास फ्रीजर में से बर्फ निकालने।